खैरियत है मायरा बीबी? आज अब बहुत लेट उठी, अब कॉलेज भी नहीं गई। हाँ बस मूड नहीं था। आप मैडम और शहरयार साहब की वजह से परेशान है ना? आपको क्यों इतनी टेंशन हो रही है? एक आप ही तो हैं जिनकी वजह से वो दोनों इन हालात में भी साथ रह रहे हैं। खैर, शाहनवाज कहाँ हैं आप यार? मैंने फोन भी ट्राई किया था, आपका फोन ही बंद जा रहा है। परेशान मत हो, मैं घर गया हुआ था, वापस आ गया हूँ। अच्छा, आपने एक ही दिन मांगा था? हाँ, माँ से बात कर ली है मैंने, कल माँ आ रही हैं और फिर हमने क्या कर लेंगे। मुझे तो बुला लिया है वो, शाहनवाज कहाँ है? दफा कर उसे, तो मुझे आज की पार्टी के बारे में बता। पार्टी काफी ग्रैंड है और सुना है काफी लोग आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ सुना है, काफी मॉडल्स भी आ रहे हैं, मायरा भी आ रही है, चलते हैं एंजॉय करेंगे। अरे आराम से, आइंदा मायरा के बारे में कोई बकवास की ना तो भूल जाऊंगा तू मेरा दोस्त। अकेला बैठ कर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, घरवालों के लिए मिठाई ले रहा था तो सोचा आप लोगों के लिए भी ले लूं। अरे बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी? आंटी इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, आप भी तो मेरी अम्मी की तरह हैं। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। आंटी क्या हुआ, कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं बेटा, समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे बात करूं या ना करूं। आंटी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, बेफिक्र होकर जो आपके दिल में बात है आप कीजिए। वो कल मैं तुम्हारे यहाँ गई थी, मुश्ताक से मुलाकात हुई थी। मैं जानता हूँ भाई बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं, उन्होंने आपकी दिल आजारी की होगी ना, मैं दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। यकीन माने मेरी और मेहर की शादी के बाद आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल मैं इसीलिए हाजिर हो गया आपके पास क्योंकि मैं अपनी और मेहर की शादी की डेट फिक्स करना चाह रहा था हाजी अब्बा के साथ। मुझे जॉब मिलने वाली है और जैसे ही जॉब मिलती है मैं मेहर को रुख्सत करना चाह रहा था। लेकिन मुश्ताक नहीं चाहता। कुछ कहा उन्होंने आपसे? शायद मेहर की वजह से, मेहर का मिजाज और उसकी आदत मुख्तलिफ है, लेकिन बेटा यकीन करो वो दिल की बुरी नहीं है। मैं जानता हूँ आंटी, मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, यकीन करें मेरा, यकीन करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होगा, मेरा यकीन करें।
हेलो, तुम्हारी कॉल का इंतजार था मुझे। फिर क्या डिसाइड किया है? आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। यू नो, तुम्हारी जैसी लड़कियां अपने बलबूते पर बहुत आगे जाती है। हाँ, बट मैंने डैड से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी स्टडीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, सो प्लीज आप देख लीजिएगा कि क्लैश ना हो कोई भी मेरी स्टडीज के साथ। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट भाई, आपसे एक बात करनी। जी कहो। आप बड़े भाई हैं मेरे, मैं दिल से इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन अगर आप किसी बड़े की बेइज्जती करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसकी बेइज्जती कर दी है मैंने? कल भाभी की अम्मी आई थी यहां। ओ, तुम्हारी भाभी साहिबा ने फिर से तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिए हैं। मुझे भाभी ने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, तो फिर किसने बताया? हाजी अब्बा के घर गया था मैं। अच्छा, तो इन्होंने रो धो के अपनी गमों से भरी रुदा तुम्हें सुनाई है? आप गलत समझ रहे हैं। जो समझना था मैं समझ चुका हूं। इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो तुम? ये आपकी जिंदगी है, आपका जो दिल चाहे आप करें, लेकिन ये मेरी जिंदगी है, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। तमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे आगे जबान चलाते हो? मुझे आपसे जो कहना था मैं कह चुका हूं, बाकी आप समझदार। क्या वो मुश्ताक, क्यों चीख रहे हो तुम? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों भाई? बहुत ही मकार और चलाक औरत है इसकी माँ। आप मेरी अम्मी के बारे में कुछ ना कहें। बदतमीज, चीखती हो मेरे आगे, सबान दराजी करती हो। हाँ, ये इज्जत सिखाई है तेरी माँ ने तुझे कि अपने मिजाजी खुदा के आगे कैसे जबान चलाती है। आपने मुझे जो कहना है आप मुझे कहें, लेकिन मैं अपनी अम्मी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। बहन की तरह लंबी जुबान है तुम्हारी, मेरे आगे चलाती हो? जुबान निकाल लूंगा तुम्हारी, जान से मार दूंगा। बदतमीज, फोन क्यों नहीं सुन रही थी तुम? हाँ जी अब्बा, वो मैं पिछली गली में थी इसलिए। खैरियत? खुशबख्त की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल ले गए। अल्लाह, हम अस्पताल जा रहे हैं, तुम घर पे रुको। हाँ जी अब्बा, मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अपनी माँ को भेजो जल्दी। लेकिन हाँ जी अब्बा, मम्मी। अल्लाह, मेरी बच्ची की जिंदगी की हिफाजत करना, उसे सेहत देना, मेरे अल्लाह उसे सेहत दे। ये अंदर भिजवा दो। कैसी है मेरी बच्ची? कुछ बता दो। कैसी है खुशबू?
ये सवाल तो आपको आपकी बेटी से पूछना चाहिए था। हाजी साहब, बेटियों की तरबियत करने से पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी कि उन्हें दूसरों के घर रुखसत भी करना है। क्या मतलब है आपका? शौहर मिजाजी खुदा होता है। अगर कोई बीवी अपने शौहर से बदतमीजी करे तो उसके साथ क्या सुलूक करना चाहिए ये आप अच्छी तरह जानते हैं। चलती हूं मैं, आप अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाइए, और अगर चाहते हैं कि उसका घर बसा रहे तो उसे अच्छी तरह समझा के भेजिएगा। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, हम बेबी को नहीं बचा सके, उन्हें काफी वीकनेस है, इस वक्त उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। क्या उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा? नहीं, आप उन्हें घर लेकर जा सकती हैं, लेकिन उन्हें टाइम पर दवाई दीजिएगा और उनकी खुराक का खास ख्याल रखिएगा। वो डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बेटी से मिल सकती हूँ? जी आए मैं सर। काम से बाहर जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। वो शरियार साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि आप उन्हें बता दीजिएगा, मुझे बहुत देर हो रही है, जरूरी काम है। अरे मेरी बहन की लोगों ने तो ये रोना धोना बंद करो, कमरे में जाओ, उसका ख्याल रखो। मैं देखता हूं जाकर कहीं से गोश्त मिल जाता है तो तुम यखनी का सामान तैयार करो और उससे कोई फालतू बात ना करना, उसे आराम करने दो। भाभी भाभी खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। बेटा मैं ला रही हूं खाना तुम्हारे लिए। आज भाभी ने छुट्टी कैसे ले ली? अब वो लंबे आराम पर है। क्या मतलब? हाजी अब्बा के घर जा चुकी है वो। अच्छा, भाई छोड़कर आए थे या वहां से कोई आया था? बदतमीजी की थी उसने तुम्हारे भाई के साथ, अल्लाह ने भी ऐसी सजा दी कि अस्पताल पहुंचा दी, अपना बच्चा भी गंवाना पड़ा। जरूर जाहिलों की तरह हाथ उठाया होगा भाई ने उन पर। बकवास मत करो, आप लोगों के दिल में रहम नहीं है, पता नहीं किस हालत में होंगी वो। ना बदतमीजी करती ना इस हाल पे पहुंचती। अब तुम कहां जा रहे हो? चला।
बस मैं थोड़ा सा पी लूं आपा। नहीं सब कैसे हुआ आपा? मैं तुम्हें बताया तो है कि मैं गिर गई थी, मेरा पाँव फिसल गया था। सच बताओ आपा। यही सच है मेहर। आपा आप खुद पर जुर्म सहकर किसे तस्कीन दे रही हैं, खुद को या मुश्ताक को? क्या सुनना चाहती हो तुम मेहर? जो कुछ आपके साथ हुआ है वो सब कुछ सच सच सुनना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया ना तो क्या कर लोगी तुम? बताओ क्या कर लोगी तुम? हाँ उन्होंने मुझे मारा, बहुत जोर से मारा और मुझे धक्का दिया। और आपने ये सब कुछ सह लिया? क्या करती मैं बोलो, क्या करती मैं मेहर? जाओ तुम यहां से, अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। जाओ मुझे अकेला छोड़ दो मेहर, जाओ। भाभी की तबीयत कैसी है? ठीक है वो, खैरियत से? उसकी हालत तो बहुत बुरी है। क्या कसूर था मेरी बच्ची का जो उस पे इतना जुल्म तोड़ा है? उनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं होगा अम्मी। ये मर्द हजरात पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। औरत भेड़ बकरी है, जानवर है या उससे भी बदतर शय। चुप हो जाओ मेरू, मुझे बात करने दे अम्मी। चुप हो जाओ मेहर, अंदर चली जाओ वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। आंटी प्लीज बोलने देना। आपके हाथों से लगी मार ने मेरे जिस्म को कभी इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जितनी आपा ने इनके घर पे होने वाले जुर्म ने मेरे दिल पर ढाई है। मैं अपनी बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। आपा के ऊपर आपके घर में जो जुल्म हुए हैं, मुश्ताक भाई ने जो अपनी वैशी पना दिखाया है ना, कल को मेरी आपसे शादी हो गई तो आपने भी वही करना है, अस्पताल पहुंचा देना है मुझे। बात यहां पर खत्म नहीं होगी, मैं आप दोनों को पुलिस थाने लेके जाऊंगी, आप लोगों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवाऊंगी। बकवास बंद करो मेहरू। इसके बाद मुझे नहीं पता कि आप और मुश्ताक भाई का रिश्ता कायम रहे या ना रहे, मेरा और आपका रिश्ता कभी नहीं बन सकता। मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। आंटी जा।